नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड यानी कोर 2001 में यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं अभी बहुत दो इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेसिक इंटीग्रल sec x और cos x के लिए लेके आया हूँ, जिन्हें अपन मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के अंतर्गत मैंने एक पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रल ऑफ एफ डे सेक्स अपॉन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। यानी कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक फ्रैक्शन हो, एक भिन्न राशि हो जिसमें कि अंश और हर हो, और जो अंश यानी कि जो न्यूमरेटर है वो हर यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो। तो हर का अगर हम लॉग ले लें तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा हमने किया था, उसके बेस पर हमने दो फॉर्मूले डिराइव भी किए थे, हमने दो फॉर्मूले किए थे cot x और tan x के लिए। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दो और फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं, एक तो sec x का इंटीग्रल और एक cos x का इंटीग्रल। तो हमारे पास में sec x के इंटीग्रल के लिए दो फॉर्मूले याद रखने लायक हैं, हालांकि आंसर इसमें से किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर आंसर इस फॉर्म में दिए गए हैं। आपको दोनों ध्यान रखना चाहिए, आंसर कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्म लिखा जाता है कि इंटीग्रल ऑफ sec x विद रेस्पेक्ट टू x इज log ऑफ sec x प्लस tan x। बस याद रखेंगे log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, या दूसरा इसका और है log ऑफ tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, log ऑफ tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। log नॉर्मली जो लिखते हैं log के लिए उसमें मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए कभी log होता नहीं है। और इसी तरह से cosec x के लिए जो फॉर्मूले हैं, cosec x का इंटीग्रल जो होता है उसके भी तीन फॉर्मूले आपके ध्यान में रहने चाहिए। पहला तो बेसिक है log ऑफ cosec x माइनस cot x, जैसा ना वो log ऑफ sec x प्लस tan x, वैसे ये log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c लगाते हैं। दूसरा माइनस, आगे माइनस लगा देंगे और ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा, log ऑफ cosec x प्लस cot x। और तीसरा log ऑफ tan x बाय टू। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर आंसर इस फॉर्म में दिए जाएंगे, वो log ऑफ tan x बाय टू, इसमें इसमें और इसमें इसमें। हमको ये सभी ध्यान में रखना है, क्या पता किस फॉर्म में पूछ ले आपसे, आपको सब पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो की। तो देखिएगा, पहले हम करने जा रहे हैं sec x का, अब इसको कैसे करें। इसका तरीका ये है कि आप इस के अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही sec x प्लस tan x से गुणा कर देंगे। यानी कि sec x प्लस tan x से आपने गुणा कर दिया और sec x प्लस tan x से भाग भी लगा दिया, क्या फर्क पड़ा भाई? कोई फर्क नहीं पड़ा। और विद रेस्पेक्ट x को हमें करना ही है। हमने क्या किया, sec x को sec x प्लस tan x से गुणा कर दिया, उससे भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं तीन को तीन इंटू पाँच बटा पाँच करूँ तो तीन में से पंद्रह बटा पाँच, यानी तीन ही रहेगा वो। अब पैकेट खोल देते हैं, sec x इंटू sec x होता है sec स्क्वायर x, और sec x इंटू tan x होता है sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x विद रेस्पेक्ट टू x। अब sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x को मैं sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x भी कह सकता हूँ अपॉन sec x प्लस tan x, क्या फर्क पड़ेगा? कारण क्या, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात एक ही है, योग के अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन एडिशन। अब आप ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंशियल ये है, यानी कि sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec square x, ये आप जानते हैं। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे लिख दूँ एफ एक्स, ऊपर लिख दूँ एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये आप जानते हैं कि log ऑफ एफ एक्स होता है, अभी हमने प्रूव किया था log ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स आपने किसको माना था, sec x plus tan x को, तो log ऑफ sec x plus tan x हो गया, प्लस ये तो लगाते हैं। ये देखिएगा पहली फॉर्म log ऑफ sec x plus tan x आ गया, अभी दूसरी फॉर्म लेके आनी है, ये कैसे लाएं उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। आप मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखिए sec x को मैं एक बटा cos x कह सकता हूँ, और tan x को मैं sin x बटा cos x कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें cos x एलसीएम आ जाएगा तो ये 1 प्लस sin x हो जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा देखिए हमारे पास में अगर ये 1 प्लस sin x जो दिख रहा है ऊपर इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे 1 प्लस cos x होता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि 1 प्लस cos x जो होता है वो 2 cos square x by 2 होता है, और नीचे cos x ना होके sin x होता तो बहुत अच्छा होता, 2 sin x by 2 cos x by 2 बन जाता। तो हम क्या करेंगे, दरअसल इस sin x को cos में कन्वर्ट करेंगे, और आप जानते हैं कि जब sin x को लिखें cos 90 माइनस x कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos 90 माइनस x sin x ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस sin x को लिखूँगा cos 90 माइनस x, और इस cos x को लिखूँगा sin 90 माइनस x, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। क्या लिखेंगे, 1 प्लस sin x को 1 प्लस cos pi बाय 2 माइनस x, और क्या लिखेंगे, ये नीचे जो cos x है इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, प्लस ये तो लगा नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि जो वन प्लस कॉस एक्स होता है वो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, ये वन प्लस कॉस टू ए का फॉर्मूला आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, वन प्लस कॉस टू ए टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो वन प्लस कॉस ए टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस cos x 2 cos square x by 2, तो log ये हो जाएगा 2 cos square x by 2, ये x है pi by 2 minus x, इसका आधा करेंगे तो pi by 4 minus x by 2 हो जाएगा, और नीचे है sin x, sin x होता है 2 sin x by 2 cos x by 2, क्योंकि sin 2 होता है 2 sin a cos a, साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2, तो यहाँ एक ही जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो 2 साइन इसका आधा करेंगे ना पाई बाय 2 माइनस एक्स का, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, प्लस ये तो लगाएंगे। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर है और ये कॉस है, एक कॉस तो कट जाएगा, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो लॉग। अब अच्छा ये 2 से 2 भी कट जाएगा, अब क्या बचा, बचा ऊपर कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और नीचे साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, लेट्स सी। अब क्या करेंगे कि ये भी एंगल तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है, नीचे भी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है, ऊपर कॉस है जो साइन है, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, तो इसको लिख दूंगा कॉट
पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो हमें तो भाई इसको टेन में लेके आना है। अब जानते हैं कि कॉट एक्स जो होता है वो टेन नाइन्टी माइनस थीटा होता है, कॉट एक्स जो होता है वो टेन नाइन्टी माइनस एक्स होता है, या ये कह सकते हैं कि टेन नाइन्टी माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉट को अगर आपको टेन में कन्वर्ट करना है, अब बिल्कुल कॉट को टेन में ला सकते हैं, करना क्या होगा, ये जो भी एंगल है ना इसको 90 में से घटा दें, यानी कि पाई बाय टू में से घटा दें इस एंगल को, किसको, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू को, बस ये कॉट टेन में हो गया, इज इक्वल टू लॉग टेन। अब देखिए पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर माइनस माइनस प्लस एक्स बाय टू प्लस सी लॉग टेन। पाई बाय फोर में सॉरी पाई बाय टू में से पाई बाय फोर घटाएंगे ना तो पाई बाय फोर बचेगा, यानी आधे में से पाव घटाएंगे तो पाव बचेगा, और वो तो एक्स बाय टू है ही। ये आ गया लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, जो कि मैंने आपको समझाया था लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। तो भाई इन्हें याद कर ले तो बहुत ठीक रहेगा। तो मुझे आशा है कि ये जो पहला फॉर्मूला है किसका, इंटीग्रल ऑफ sec x, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल ऑफ sec x जो होता है वो log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स या log टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ज़्यादातर आंसर इस फॉर्म में मिलेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब दूसरा करते हैं log ऑफ दूसरा करते हैं cos sec x, इंटीग्रल ऑफ cos sec x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा जैसे हमने इसमें किया था ना, sec x को ऊपर नीचे गुणा किया था sec x प्लस टेन एक्स से, तो यहाँ भी गुणा करेंगे ऊपर नीचे, cos sec x इसको गुणा करेंगे, ध्यान देना cos sec x माइनस cot x, यहाँ प्लस नहीं माइनस लेना आपको, और नीचे भी cos sec x माइनस cot x विद रेस्पेक्ट एक्स हम करते ही हैं। अब आप देखें ध्यान से तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आप ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशियल आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, देख लो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर है, और ये माइनस कॉट एक्स है तो हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर है क्योंकि है ये, लेकिन इसका ये मिल रहा है इसको ऐसा करते आगे पीछे ले लेते हैं क्रम इन्हीं में लागू होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस कोसेक एक्स आप कहीं सर कैसे लागू होगा क्रम नहीं देते माइनस लग रहा है, तो इस माइनस को मैं जैसे मान लीजिए ए माइनस बी है, तो इसको मैं ए माइनस बी नहीं इसको मैं ए प्लस माइनस बी कह देता हूँ। अब मैं इसको माइनस बी प्लस ए कह सकता हूँ ना, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो ये माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आगे ले लिया, और ये प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाद में ले लिया, और नीचे आपके कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ही। और अब आप देखेंगे मैं सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स का प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्टली मैं कह दूंगा नीचे वाले का लॉग, मैं वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में ले रहा हूँ, तो लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये पहली फॉर्म मिल गई आपको, ये लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब दूसरी फॉर्म लेके आनी है हमको, वो कैसे लेके आए, तो क्या करो दूसरी फॉर्म लाने के लिए कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, इसको ऊपर नीचे
कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से गुणा कर दो, मैंने कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को ऊपर नीचे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से गुणा कर दिया। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। और आपको पता ही है बेसिक आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स वन होता है, तो वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स विद रेस्पेक्ट टू सॉरी प्लस सी। अब मैं वन अपॉन एक्स को कह सकता हूँ एक्स की पावर माइनस वन, तो ये वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है ना, तो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की पावर माइनस वन कर देता हूँ। और अब ये चूंकि पावर माइनस वन आ गया इसको आगे ले सकते हैं, तो माइनस वन कहते हुए केवल माइनस के, तो माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। ये इसकी दूसरी फॉर्म आ गई, देखिए माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। लेकिन इसकी तीसरी फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर इस फॉर्म में मिलता है लॉग टेन एक्स बाई टू। अब इसको लेके आते हैं तीसरी फॉर्म। तो तीसरी फॉर्म के लिए बहुत ही छोटा सा एक हमें चेंज करना पड़ेगा फॉर्म वन के अंदर। ये फॉर्म वन से ही आएगी भाई, फॉर्म वन से। फॉर्म वन क्या थी, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स लॉग ऑफ। क्या मैं कोसेक एक्स को वन अपॉन साइन एक्स कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और कोट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ये जो था लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स फर्स्ट फॉर्म जो थी, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन एक्स एल से मारा है और ये आ गया वन माइनस कॉस एक्स प्लस ही, तो लगाते हैं। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यहाँ तो वन प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स था, तो वन प्लस साइन एक्स को वन प्लस कॉस एक्स के रूप में लाने के लिए मैंने साइन एक्स को लिखा था कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, वैसे ही कॉस एक्स लिखा था साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि प्रॉपर फॉर्म में नहीं थी। जब तक प्रॉपर फॉर्म नहीं होती अपन फॉर्मूला अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ प्रॉपर फॉर्म में ही है। यहाँ सीधा वन माइनस कॉस एक्स ही है, वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स होता है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस ही, तो लगाते ही है। अब दो से दो कट जाएगा, एक साइन एक्स बाई टू भी कट जाएगा, और एक साइन एक्स बाई टू ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस एक्स बाई टू है, तो लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये तीसरी फॉर्म हो गई, पहली दूसरी और ये तीसरी, और तीनों फॉर्म जो है मैंने यहाँ लिख लिखी थी, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स लॉग टेन एक्स बाई टू, तीनों मैंने प्रूव कर दिए। तो ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना आगे हम जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, तो उनमें एज ए फॉर्मूले इसको काम में लेंगे, और यूँ अपने आप में ये खुद क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रल ऑफ कोसेक फोर एक्स का करना है, आपको पता है कि कोसेक एक्स का जो होता है इंटीग्रल वो होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, इसका क्या हो जाएगा लॉग टेन। भाई जब आपके एक्स था तो यहाँ एक्स बाई टू आ गया, आधा हो गया,
यहाँ 4x है, इस 4x का आधा करेंगे तो 2x होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप सोच रहे होंगे आंसर आ गया, अभी नहीं आया, क्योंकि ये x नहीं है, 4x है ये, x का गुणा 4 से हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 4x का डिफरेंस क्या होता है 4, तो 4 से भाग लगा देंगे। ऐसी इस बात को ध्यान में रखना आपको, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4x को t मान लिया तो 4dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/4 dt। यहाँ फिर क्या होगा कि आप cosec x और dx 1/4 dt, 1/4 बार आ जाएगा जो कि ये है। तो इस तरह से मैंने आपको आज काफ़ी अच्छे से समझा के दो बहुत इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रल्स हैं, एक तो sec x का और एक cosec x का, अच्छे से समझाया। मुझे पूरी आशा है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।